नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर में शादी समारोह के दौरान परिजन दुल्हन के लाखों रुपए के आभूषण होटल के कमरे में भूल गए, जिसे सफाई कर्मचारी चुरा कर ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़कर उनसे लाखों रुपए के गहने बरामद किए। इस पर एसएचओ एयरपोर्ट थाना दिलीप खदाव के जांच के दौरान उनसे पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना कबूल लिया। आरोपियों से 21 तोला सोना और 22 चांदी के सिक्के बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत करीब 13 लाख रुपए है। पहुंचा गया कि ये जब होटल में आपने पूरी सीसीटीवी चेक की तो एक थोड़ी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी कि जैसे एक चादर थी जिसको ये अंदर लेके जा रहे थे, गंदी चादर को। वो थोड़ा अजीब सा लगा कि अंदर गंदी चादर क्यों लेके जाने कमरे को, फिर वही बाहर आ रहा है थोड़ी देर बाद में। तो इस तरह से इन पर शक हुआ और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस वारदात को कबूल कर लिया। सीकर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। इसी के साथ प्रशिक्षण में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को आह्वान किया गया। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। बता दें कि अगले महीने ब्लॉक स्तर पर परीक्षण चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिले में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजित किया जा रहा है, जिसी के तहत हमारे सीकर जिले में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का 26 और 27 अप्रैल को आयोजन किया गया है। और कल इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन समारोह था, जिसमें सम्मान्य प्रदेशाध्यक्ष ने इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था। हमारे सम्मान्य विधायक जी यहाँ उपस्थित थे और इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के का आज़ादी के संघर्ष में जो योगदान था उसका, और आज़ादी के बाद में भारत निर्माण में जो कांग्रेस का योगदान रहा उसके बारे में हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ कर प्रेस किया जा रहा है, इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे हम उसके बारे में अवगत कराएं। और आज इस कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसमें सभी सहभागियों को, प्रशिक्षण में भाग लेने वालों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए हैं। जोधपुर के लूणी में ग्रामीणों को सुलभ पेयजल उपलब्ध करवाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। ये बात लूणी उपखंड कार्यालय में पेयजल निगरानी और समन्वय समिति में बैठक उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार ने कही। इस बैठक में अवैध पानी के कनेक्शन के विरुद्ध की गई कार्यवाही और प्रगति रिपोर्ट की जानकारी जुटाकर क्षेत्र में पेयजल समस्या पर समाधान हेतु चर्चा की। वहीं पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर जलदाय विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बयाना में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित स्थानीय चिकित्सक भी मौजूद रहे, जिन्होंने कैंप में आए जरूरतमंद मरीजों की निशुल्क जांच, परामर्श और आवश्यक दवाएं भी निशुल्क उपलब्ध कराई। वहीं ब्लॉक CMHO डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि शिविर का सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया और शिविर स्थल पर सभी की सुविधाएं के लिए छाया, पानी व बैठने की पर्याप्त इंतजाम भी किए गए। ब्लॉक स्तर का स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें सभी तरह के स्पेशलिस्ट बैठे थे और तो गायनी, फिजिशियन, ENT और पीडियाट्रिशियन, सारे डॉक्टर्स बैठे थे। और यहाँ विकलांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए और चिरंजीवी योजना के बारे में भी बताया जा रहा है। और चिरंजीवी योजना में जो रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको भी यहाँ EMS के थ्रू रजिस्टर्ड भी कराया जा रहा है। और इसमें जितनी भी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है दोनों को बताया जा रहा है कि ये योजना का आम जनता लाभ ले सकती है। आज ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जो ब्लॉक बयाना के अधीनस्थ गांवों से जो आने वाले जो आमजन थे उनकी रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन के अलावा उनकी जो स्वास्थ्य जाँचें की गई, जो भी बीमारी थी उसकी निःशुल्क जांच की गई और निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। और भरतपुर से सभी रोगों के जो विशेषज्ञ भी यहाँ उपस्थित रहे, CSC बयाना से भी काफ़ी चिकित्सक यहाँ उपलब्ध रहे और जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है उसका भी यहाँ पंजीकरण किया गया और डिजिटल हेल्थ कार्ड भी बनाए गए और डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट हैं विकलांगता वो भी बनाए गए और सभी व्यवस्थाएँ काफी अच्छी रही। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन हेतु भारत माता यात्रा के लालसोट पहुंचने पर
मूर्ति मीना के नेतृत्व में लोगों ने शानदार स्वागत किया। वहीं इसके खंडेलवाल धर्मशाला में कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी ने असंतुलित जनसंख्या वृद्धि से होने वाले राष्ट्रव्यापी नुकसान, जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता के विषय पर संबोधित किया तथा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश सचिव मूर्ति मीना ने भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या असंतुलन देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसके बाद लोग द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला से ज्योतिबाई फूले चौराहे तक यात्रा निकाली गई। दूसरा के लालसोट में हुए गैंगरेप और हत्याकांड के अपराधियों को फांसी की सजा के मांग में कैंडल मार्च निकाला। निर्मम हत्याकांड को लेकर सर समाज ने रामगढ़ पछवारा बस स्टैंड में मेन चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान युवाओं ने हाथों में तख्ती लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की, साथ ही मोमबत्ती जलाकर सर समाज ने 2 मिनट का मौन रखा। भीलवाड़ा के झाजपुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल स्वास्थ्य मेला और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीपी गोयल ने बताया कि शिविर में कुल 1216 लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिला है। साथ ही शिविर में 74 लोगों का टीकाकरण किया गया और 24 दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए। प्रतापगढ़ जिले के रठाजना और धोलापानी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर ट्रोली में 45 किलो अवैध बिना चोरी के अफीम में डोडा चूरा ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए धोलापानी थानाधिकारी मानसिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बोरी से धमातुर जाने वाली रोड पर संयुक्त नाकाबंदी शुरू की गई। इस दौरान कस्बा बोरी की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रोली को लेकर एक व्यक्ति तेज गति से आया, जिसको रोक कर चेक किया तो ट्रैक्टर की ट्रोली में रखे 45 किलो 200 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।